प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लगातार कई दिनों से दिल्ली की आबोहवा बेहद गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय कर रही है, फिर भी इससे कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूँ आपके साथ आशा पांडे। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज भी दिल्ली में AQI 300 के पार दर्ज किया गया। ऐसे में दिल्ली सरकार ने बीते दिनों दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली सरकार ने DDMA से बसों और मेट्रो में पूरी कैपेसिटी के साथ यात्रा करने की मंजूरी मांगी थी। ऐसे में आज DDMA ने एक आदेश जारी कर बसों और मेट्रो में पूरी कैपेसिटी के साथ यात्रा करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि इससे पहले DDMA ने बसेस और मेट्रो के लिए 100% सीटिंग कैपेसिटी की तो घोषणा कर दी थी, लेकिन मेट्रो और बस में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। आज DDMA ने एक आदेश जारी करके खड़े होकर यात्रा करने की भी मंजूरी दे दी है। इस पर DDMA का कहना है कि मेट्रो में 30% कैपेसिटी के साथ लोग खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं, तो वहीं बसेस में 50% कैपेसिटी के साथ लोग खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही DDMA ने अपने आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स की किसी भी तरह से अनदेखी नहीं की जाएगी। चाहे यात्री खड़े होकर यात्रा करें या बैठकर, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क उन्हें लगाए रहना होगा और सैनिटाइजर का भी उपयोग करना होगा। इन सब की अनदेखी करने पर पहले की तरह ही चालान काटा जाएगा। इस मामले पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।